सो है गुड मॉर्निंग गाइज। आजकल तो यार शांति तकड़ी हो रही, मतलब मंदिर ही मंदिर बने पड़े साइड। परसों भी शांत में था लिंगजार और आज भी शांत में जा रहा हूँ, पर आज का व्लॉग स्पेशली है क्योंकि आज मैं मतलब हमारा देवता जाता हूँ, हमारा कुल देवता है श्री गुरु महाराज कुल्लग में, तो उनके साथ मतलब हमें मतलब दो बंदे को हमारे को अपनी मतलब दसाई फैमिली से पालकी के लिए जाना पड़ता है, मतलब पालकी को उठाने। तो मैं फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ, मेरा फर्स्ट टाइम आज, मैं हमारे पलगार बोलते हैं उसके लिए, तो मैं अभी पालकी उठाने जा रहा हूँ, मतलब जहाँ शांत है वहाँ के लिए देवता जाते हैं। चार पालकियाँ जा रही है टोटल, चार देवताओं की। तो मैं भी फर्स्ट बार जा रहा हूँ क्योंकि शाम को परसों लग गया था कि ऐसे से शांत है तो देवता के साथ जाना पड़ता है, तो मैंने बोला कि मैं जाऊँगा और एक बंदा पीछे से अपने भाई साहब, तो दो बंदे हैं हम पालकी उठाने वाले। मेरा तो फर्स्ट एक्सपीरियंस है यार, तो देखते हैं कैसा रहता है। और शांत तो वहाँ तो श्री गुरु महाराज जी शायद शांत है ना, ऊपर श्री गुरु महाराज का मंदिर बन रहा है, वहाँ कोई बलि वगैरह तो नहीं लगती है, वहाँ देवी देवता मतलब जितने हमारा एरिया ये चाहता का मैक्सिमम जगह से देवी देवता आएगा और रश तो होगा ही होगा। देखते यार पालकी उठाने का मंदिर जाएगा, कुल्लग जा रहे हैं हम गाँव से चले हुए हैं, तो मिलते हैं सीधा कुल्लग गांव में जहां हमारे कुल देवता टुडेश्वर महाराज विराजमान है। तो फिर चलते हैं, अभी तुम्हारे कम से कम 3-4 किलोमीटर बचा हुआ है सुबह सुबह, यहां गाड़ी गुड़ी बस बस मिलती नहीं, अपनी गाड़ी ले जा सकते क्योंकि पैदल जाना पड़ता है देवता के साथ, तो हम जा भी पैदल ही रहे, तो मिलते हैं थोड़ा आगे। तो यार देवता जी ऊपर आ गए, हम थोड़ा लेट हो गए, बस यहीं पहुंचने वाले हैं, मंदिर तो हम नहीं जा पाए, तो अभी यहीं से वापस मुड़ रहे हैं, तो आएंगे नीचे से। तो गांव दिखाता हूँ नीचे, कुल्लग का गांव आपको, काफ़ी अच्छा गांव है वैसे। यहाँ पे राजा की चौकी भी है, जो जुब्बल का राजा होता था वो वहाँ नीचे आते थे, दिखाता हूँ। ये है कुल्लग का गाँव और ये हो राजा की चौकी।
अब इसको तो भाई आ गया देवता पर। चाचा पर्दा 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 वाला यूट्यूब वाला है महाराज के प्रचंड देवता में कितनी शक्ति है। थोड़ी देर में पानी हटता है कि नहीं हटता है। बारिश भले ही हो रही लेकिन सुनेवट उठा दिया है ये। नीचे करो छत है, नीचे करो छत्रा करो, नीचे छत्रा करो, नीचे छत्रा। रास्ता बहुत खराब है, ऊपर से चिकनी मिट्टी है यार। लगभग अब ठीक है, गया हूँ भीग पूरे तरीके से। तो अभी जाए सब कुछ शूटिंग शूटिंग भाड़ में, मैं देख रहा हूँ आग भाई माड़े आ लग रही। अब क्या ही बोलूँ, पूरा भीग गया हूँ तो यहाँ आया हूँ। मैंने आग चले वो घर में भाई, तो आग सीखता हूँ, थोड़े कपड़े सूख जाएंगे तब जाएंगे बाहर।
तो रात को भी इधर ही हम, तो अब भी नीचे आया हूँ मैं भैया के साथ, दर्शन करा रहे हैं मेरे को, मंदिर दिखाता है। तो काफ़ी अच्छा मंदिर है, अंदर जाके देखते हैं। यहाँ है पालकियाँ, दो पालकियाँ हैं, दो साइड। मंदिर तो काफी अमेजिंग बना हुआ है अंदर, चांदी अपने तीर देखोगे अंदर, वो तीर यूज होते थे सच में लड़ाई करने के लिए, तो अभी बना रहे उसको, कुछ देवी देवताओं साथ भेजेंगे और कुछ दिशाओं में उनको छोड़ देंगे अलग अलग, जो इनके रीति रिवाज होते हैं हमारे, तो इसको ऐसा करेंगे। पालकियाँ यहाँ पे हैं, टोटल चार पालकियाँ हैं। तो जो भी देवी देवता के साथ आया है तो अपने मनोरंजन के लिए मुजरा लगता है, पहाड़ी में मुजरा बोलते हैं, तो यहाँ पे लगा हुआ है काफी जोरों जोरों से। मुजरे में लोग भाई काफी जोरों शोरों से नाच रहे हैं। और ये है पीर महाराज नरसिंह जी का। शांत से पहले यहाँ पे भागवत हुआ था, तो भागवत का ये पूरा, और वहाँ पे सामने जो गद्दी दिख रही है वेद व्यास जी की बुद्धि है। तो आज भाई मीन कल लास्ट था भागवत, आज शांत थी।
का गांव। Thank you.